आपका वेलकम करते हैं हम महाराष्ट्र के अंदर। अरे बाप रे बाप। और पीछे मैंने एक आपको गाड़ी दिखाई थी, वो यूं के ऐसे ऐसे रोड पे आई और यहाँ पे आके गिर गई गाड़ी। हाय गाइस, दिस इज योर बॉय एसके व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आपका वेलकम करते हैं हम महाराष्ट्र के अंदर। अभी जस्ट टोल क्रॉस किया अंकल ने एंड हम आ चुके हैं यहाँ पे। अभी चाय वाय किया, नाश्ता कर लिया पूरा, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। तो आगे का सफर हमें बच गया अभी 420 किलोमीटर। एक्चुअली रात को हम सो गए थे, रोड बहुत गंदा था इसके लिए हम ज़्यादा ड्राइव की नहीं और लगा के सो गए। तो गर्मी भी बहुत है अभी, सो आराम आराम से चलेंगे आज दिन में और शाम को हम पहुंच जाएंगे इंडस्ट्री में या रात को। तो उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया तो उसी के फील आ रहा है, तो शाम तक हम इंडस्ट्री घुसेंगे और उसके बाद हम आराम आराम से रात को सो जाएंगे, मस्ती लेंगे एंड कल अपनी गाड़ी होप सो खाली हो जाएगी और उसके बाद देखेंगे लोड का। एक्चुअली ये ट्रिप जो हमारी है ये भी 4 दिन की लगी है भाई, 1200 किलोमीटर हम चौथे दिन हम कर रहे हैं क्योंकि आराम से आए। उस दिन भी जिस दिन लोड हुई गाड़ी उस दिन भी सो गए और आज भी सो गए और अभी चलते हैं आगे एंड कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। एक्चुअली सेबर के आए थे तो जग ही रहे थे, तो हमने सोचा भाई थोड़ा सा नींद भी अच्छे से कर लेते हैं। अब अच्छे से नींद हो गई है क्योंकि आगे वाली जो ट्रिप होने वाली है वो भी अपनी जगने वाली होने वाली है, तो इसके लिए फिर से हम कच्चा लोड करेंगे इधर से भी, तो वो भी हमें टाइम की मंडी होगी। सो इसके लिए हमने आराम से नींद वींद कर ली सूखे माल पे, और ये होता है कि मंडी नहीं करवानी होती, टाइम नहीं होता, आराम से जा सकते हैं। सो इधर से फिर खींच के जाएंगे गाड़ी को, फिर उधर से सेब भरेंगे, सो फिर खींच के आएंगे एंड ऐसे हमारी ट्रिप होने वाली है और आप भी वीडियो में ऐसी ही ट्रिप देखने वाले हो। सो गाइस, आ चुके हम नागपुर से, यहाँ से हमने लेफ्ट लेना रिंग रोड और रिंग रोड घूम के आगे से फिर एक और लेफ्ट लेना, सीधा एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाएंगे एंड भाई 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 यहाँ पे देखो कितनी सारी गाड़ियाँ हैं और गाड़ियाँ भी बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियाँ। गर्मी भी हो रही है, हम स्लो स्लो ही चलेंगे, 40-45 की स्पीड के अराउंड चलेंगे। 300 meters टू टेक आउटर रिंग रोड कलकत्ता हाईवे पे 300 meters से वी हैव टू टेक लेफ्ट एंड नाउ दिस इज द टर्न। सो चलते हैं भाई लोग। एल सुबह सुबह खुल गई अपनी ड्यू की बॉटल, वाह 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 वाह, पीते हैं हम ड्यू इस गर्मी में, वाह 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 देन कीप राइट बट आई नो आई हैव टू टेक टर्न लेफ्ट देन टेक टर्न लेफ्ट एंड देन टेक टर्न राइट कीप राइट कंटिन्यू फॉर 28 किलोमीटर्स। सो भाई आपको ड्राइविंग किस किस बंदे को अच्छी लगती है, कि करनी या ड्राइविंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में प्लीज बता देना, क्योंकि मैं अभी छोड़ रहा हूँ ये काम। सो इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ आपके कमेंट्स में कि भाई आपको कैसी लगती है, अच्छा काम है या बुरा काम है। सो ये बोलते हैं भाई करनी चाहिए, तो अभी आप ही जो बताओगे करनी चाहिए नहीं, तंग पड़ गए देखा तंग पड़ गए कर करके भाई 20 साल से ड्राइविंग कर रहे हैं ना इसलिए। मैं तो भाई अभी किया शुरू और अभी मैं खत्म कर रहा हूँ भाई, मुझे नहीं करनी है, काम ही नहीं करना है क्योंकि यार इज्जत नहीं है तो सो क्या फायदा करने का। रोड तो चकाचक है, स्पीड 60 से ऊपर की चल रही है बट टायर गर्म होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इसके लिए स्लो डाउन चलेंगे हम लोग, और स्लो डाउन चलेंगे 40-45 के अराउंड। पीछे पुलिस वाले भी थे, जैसा मैंने आपको बताया था कर्व पे पुलिस वाले होते हैं, जैसे हम चढ़ाई चढ़ते ही आगे पुलिस वाले, बट रोका नहीं क्योंकि हम ऑलवेज सीट बेल्ट पहनते हैं। और आजकल एक चीज और इजी काम हो गया है इधर, यूनिफॉर्म का इतना ज्यादा नहीं पूछते हैं अब, यूनिफॉर्म क्या बिना सीट बेल्ट नहीं होगी तो फिर तो रोकेंगे रोकेंगे बट यूनिफॉर्म के चक्कर में सो इतना नहीं, क्योंकि कोई भी पहनता नहीं है ना यूनिफॉर्म, कौन सा ड्राइवर है जो यूनिफॉर्म पहनता है भाई। सो इसके लिए सिर्फ यूनिफॉर्म का चक्कर होता है अपने जम्मू कश्मीर में यार, और बाप रे वहाँ तो बस रोकेंगे यूनिफॉर्म किधर है, ये क्या है वो क्या है ये क्यों है वो क्यों है, जब RTO ने गाड़ी पास की है तो यार इतना तो समझो यार, अब क्या बोले अपने J&K को पुलिस को। सो भाई लोग आ चुके हैं हम एक्सप्रेस रोड पे, सो यहाँ से हमने लेफ्ट लेना है। भाई 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 यहाँ का व्यू इतना बढ़िया है यार, क्या मतलब देखने में ही बहुत मज़ा आ रहा है अभी। अरे यार इधर कभी एक दिन हम निकालें, इधर रुक के हैं चाचे, ये देखो भाई एक्सप्रेस वे पे चढ़ते ही इतना अच्छा सा ब्यूटीफुल आता है व्यू। हाँ महाराष्ट्र समंदी महामहा, तो हमारे गूगल लोकेशन भी बोल रहे भाई महाराष्ट्र समंदी महामहा टोल रोड स्टार राइट हियर एंड चेक दिस आउट, ये आगे अपनी एक्सप्रेस वे जो कि अब जाएगी, यही जाएगी हमें सीधा हमें जालना लेके। सो फाइनली हम एक्सप्रेस वे पे चढ़े इस टाइम,
तो अभी हमारे पास टाइम ही बहुत सारा, बहुत ज्यादा टाइम है, आराम से जाएंगे, आराम से कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है, आराम से पहुंचेंगे, सोएंगे मस्ती से। सो भाई लोग फिर देखते हैं आगे क्या रहता है, क्या डिसीजन रहता है। टोल तक तो हम बढ़िया थे, अब टोल के आगे तो ये आ गया टोल, और टोल से पीछे हम बढ़िया थे, अब टोल के आगे ही होगा। हमारी टाइमिंग लग जाएगी, जितने जल्दी हम गाड़ी पहुंचाएंगे डेस्टिनी के इस रोड से बाहर, जितने जल्दी निकालेंगे उतना कम पैसे लगेंगे। सो अभी देखते हैं, यहाँ ही हम रुक सकते हैं, अगर रुकना हो तो यहाँ पे रुकने का कोई साधन नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। सो इसके लिए निकल ही जाते हैं यहाँ से, और यहाँ का व्यू देखो भाई कितना अच्छा, कितना बढ़िया व्यू है यार, एकदम मौसम। एंड करते हैं टोल को क्रॉस एंड चलते हैं आगे फिर। सो भाई लोग अपनी एक और ड्रीम पूरा होने जा रहा है, सो थोड़ा और सपोर्ट कर दो तो वो अपना पूरा हो जाएगा ड्रीम। तो मैं आपको बताऊंगा एक महीने के बाद अपना कौन सा ड्रीम पूरा हो रहा है, तो अभी तो नहीं रिवील करेंगे, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक सरप्राइज है फॉर मी, बिकॉज फर्स्ट टाइम आई एम जस्ट गैदरिंग समथिंग फ्रॉम यू गाइज एंड आई लेट यू नो गाइज When I'm just gonna get that dream. तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, क्रूज कंट्रोल पे हमने गाड़ी लगाई हुई है 52 की स्पीड पे, एंड ऐसे मस्त आराम से बैठ रहे हैं हम लोग, क्योंकि गाड़ी आराम से चलती है, कोई एक्सीलेट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली क्रूज पे लगी हुई है गाड़ी। सो ये बहुत बढ़िया बेनिफिट है बाज वैन्स का, सो ये सब गाड़ियों में होना चाहिए सब ड्राइवर्स लोग के लिए, तो बहुत बढ़िया है बेनिफिट है। भाई लोग ये देखना एक्सीडेंट, अरे यार रोड गाड़ी रात को अंधेरे में आई, आई थिंक केरला की गाड़ी है। अरे बाप रे बाप, देखा एक्सीडेंट, ये नींद के कारण होता है। तो वो रही अपनी गाड़ी सामने, एंड में गया था उधर, उधर से लाया ये वड़ा पाव, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट्स, चॉकलेट्स। सो अभी जा रहे अपनी गाड़ी की ओर, कज यहाँ पे सब कुछ बहुत महंगा मिलता है। वड़ा पाव मिला मेरे को 50 रुपीज़ के दो, समोसे मिले 40 रुपीज़ के दो, और एवरीथिंग इज़ लिटिल एक्सपेंसिव क्योंकि यहाँ पे मार्केट नहीं है, और जो भी रहेगा महंगा रहेगा। तो चलता है यार महंगा, अच्छी है, मॉडर्न सिस्टम है, बट है गंदा किया होगा इन्होंने। ऐसा मॉडर्न सिस्टम ना होना चाहिए, बट साफ़ सफाई एकदम होनी चाहिए, एक नंबर। तो खाते हैं ये, तो फिर निकलते हैं स्लोली स्लोली, पकड़ो ये। हम लेके आए वड़ा पाव एंड समोसे, खाते हैं ये दोनों, तो चलते हैं आगे। ये देखो इतनी गाड़ियां लगती हैं, अभी रेस्ट करते हैं ये सब। सो अभी जाने का टाइम हो गया, वो वहां पे कॉर्नर पे सब कुछ मिलता है यहाँ, क्योंकि एक्सप्रेस वे यहाँ पे कुछ खाने का और सुविधा नहीं रहती है, तो इसके लिए सब सुविधा पेट्रोल पंप्स पे ही होती है। देखना गाड़ी की कितनी स्पीड है, हम चल रहे अभी 70 पे और वो गाड़ी चल रही है 90 की स्पीड पे, 90-95। व्यू देखो कितना अच्छा सनसेट हो रहा है, और हम लोग को बच के अभी 190 किलोमीटर इस रोड पे, 190 से हमने फिर जाना है लेफ्ट, जो कि 7 किलोमीटर लेफ्ट जाके सीधा अपनी आ जाएगी फैक्ट्री जहाँ पे अपने माल डिलीवर करना। तो गाइस एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अपनी गाड़ी की लाइट्स देखो, एलईडी लाइट बिल्कुल नहीं चल रही है। सो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि इनमें क्या दिक्कत है, पहले मैं सोच रहा था कोई और दिक्कत है, बट इनमें एक्चुअली प्लग की दिक्कत है, वो जो उस दिन भी बताया था आपको जब हम गए थे कंपनी में हमने ठीक भी नहीं करवाई एंड और तो गाड़ी ऐसी है, और ऐसी लोकेशन पे हम लोग हैं सनसेट के एरिया में खड़े हो रहे हैं। सो भाई देखो व्यू तो बहुत बढ़िया आपको दिख रहा होगा। तो अपनी गाड़ी बींग ट्रकर्स गंदी है, तो इस साइड चल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये है एक्चुअली रिंग रोड, और नीचे ग्रास, और पीछे मैंने एक आपको गाड़ी दिखाई थी वो यूं के ऐसे इस ऐसे रोड पे आई और यहाँ पे आके गिर गई गाड़ी। 14 चक्का गाड़ी था और कच्चा भरा हुआ था टमाटर एक्चुअली। और ये देखो भाई इतनी हाइट होती है, तीन क्रेट हाइट होती है हमारी खालिद भाई की गाड़ी। ओरे भोपरे क्या स्पीड है भाई। सो भाई 3 क्रेट खालिद भाई की गाड़ी की हाइट हुई थी, तो जो गाड़ी की दिक्कत हो गई थी। फिर मैं गया जम्मू जाके वो सॉर्ट आउट किया इशू। सो फाइनली गाड़ी
गंदी होने के साथ मैं देख रहा हूँ आज इंडिकेटर सब चल रहे हैं। यस, अरे यार, अरे यार देखो धूल। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, ये देखो सील लगी, ये टूटनी नहीं चाहिए, और नंबर लगा हुआ सील का, ये टूटनी नहीं चाहिए, बट हम क्या कर सकते भाई, हम नहीं तोड़ रहे। सो इंडिकेटर सब चल रहे हैं अपनी गाड़ी के, पीछे भी चल रहे हैं दोनों, लास्ट पहले। और भाई भाई गुरुजी आ जाओ सीट पर, चलाओ गाड़ी भाई, रात को दिन को हर टाइम यही चलाता रहूं यार, ये हद है यार, इनको भी चलानी चाहिए यार गाड़ी। अच्छा आप कमेंट्स में बताना अगर उनको भी ज़्यादा चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए, दोनों को 50-50 चलानी चाहिए, बट मैं ज़्यादा चलाता हूँ, इनको रेस्ट देता हूँ अभी, वो देखा इसी बारी में बैठ के ताकि चलाएगा शाहिद, बट आपका भाई अभी रेस्ट करेगा। सो भाई अंधेरा आ रहा पास पास, अभी टाइम हो गया 5:30 का, औरंगाबाद 221 किलोमीटर, जालना बच गया 162 किलोमीटर, एंड वी हैड टू गो जालना 162 किलोमीटर। बाहर का भी शॉट ले लेते हैं भाई। सो गाइस फाइनली टाइम आ चुका है रोड को छोड़ने का एंड अपनी रोड पे आने का, अभी कंपनी बिल्कुल ये पास में ही है, टंटना। तो आ चुके हैं हम दूसरी रोड पे, तो बाय बाय कर दिया हमने एक्सप्रेस वे को। सो भाई लोग अभी टाइम हो गया अभी 10, और आपका भाई पहुंच गया अभी स्टील कंपनी में है, ये रही स्टील की कंपनी, एंड हम पहुंचे अभी यहीं पे। सो अभी हम सोते हैं इधर ही बैठ के, बाहर बहुत ज़्यादा धूल है, मैंने सोचा बाहर खड़े होकर वीडियो शूट करते, बट बाहर बहुत ज़्यादा धूल है, तो इस कारण मैं गाड़ी के अंदर ही आ गया, जो कि कल हम बनाएंगे अगर गाड़ी अपनी खाली होगी तो, क्योंकि कंपनी के अंदर हम फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते खुले में। सो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपनी गाड़ी स्पॉन्ज है, छोटी छोटी जो गिटियाँ आती है लोहे की, वो खाली करेंगे मैग्नेट से, वो खाली हो जाएगी, तो उसके बाद हम यहाँ से निकल के सीधी ट्रांसपोर्ट पर जाएंगे, ट्रांसपोर्ट से देखेंगे कहाँ कहाँ हमें लोड मिलता है। ट्रांसपोर्ट से मैंने बात करी थी, वो बोलते थे आ जाओ कोई बात नहीं, हम बढ़ा देंगे यूपी का, दिल्ली का बना देंगे, लेट्स सी कहां कहां में अच्छा लोड मिलता है। अगर ब्लॉग अच्छा लगे इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक पीस।